गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट. सो टुडे वी आर स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर फ्रैक्शन. सो व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. जब हमारे पास न्यूमिनेटर जो होगा वो स्मॉलर होगा किससे? अपने डिनोमिनेटर से, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम इसको लिखते कैसे हैं? तो कैसे लिखते हैं बेटा इसको? फॉर एग्जांपल 1/3 मीन जो हमारा न्यूमिरेटर है, जो ऊपर वाली टर्म है वो किससे छोटी है? डिनोमिनेटर से. 2/5, 5/9, 11/25 सभी एग्जांपल में हमारा जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. तो ये क्या हो गई हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये किसका उल्टा हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन का. प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे? न्यूमिरेटर क्या कर रहे थे? स्मॉल ले रहे थे. सॉरी बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे? न्यूमिरेटर स्मॉल ले रहे थे डिनोमिनेटर से. मगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखेंगे कि जो हमारा न्यूमिरेटर होगा वो ग्रेटर होगा किससे? डिनोमिनेटर से. इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4/3, 5/4, 11/7, 13/11, ये हमारे पास क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमारा न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन? द नंबर विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. जो नंबर हमारे पास टू पार्ट में कंसिस्ट होते हैं, बने होते हैं, जिसमें हमारे पास इंटीजर भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है, उसे बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन. किस प्रकार? जैसे इंटीजर हमारा यहाँ पे आ गया मिडल में, और आगे हमारे पास आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमिरेटर स्मॉलर, डिनोमिनेटर लार्जर. जो भी इस फॉर्म में लिखा जाएगा उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें हम इंटीजर का भी यूज़ करते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन का भी यूज़ करते हैं. ओके बेटा, थैंक यू बेटा. तो आज के हमारे हमने तीन टॉपिक किए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. अच्छे से पढ़ना इसको और समझना, ठीक है? नेक्स्ट हम इसके सम करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.